मेरे किचन और लॉबी के बीच है एक बहुत खूबसूरत सी खिड़की जिससे हम लोग खाना सर्व करते हैं। यहाँ के लिए बनानी है एक ऐसी लाइट जो हो बीम फ्रेंडली, स्टाइलिश, इजीली वॉशेबल, ड्यूरेबल एंड मॉडर्न, और दे दे स्पेस को एक विजुअल पार्टीशन भी। पॉसिबल? लेट्स चेक इट आउट। हमारे घर में एक्सटर्नल कांच लगते हुए ऐसे एल्यूमिनियम के रॉड्स आए थे और दरवाजा बनने के लिए कुछ इस तरीके का रॉड आया था। इनको अब मैं यूज करते हुए बनाने वाला हूँ एक बहुत ही मॉडर्न एंड स्टाइलिश लैम्प। ये वाली जो रॉड्स होती हैं ये स्क्वायर होती हैं, पर जो दरवाजा बनने के लिए होती हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की रेक्टेंगुलर होती हैं एंड इसपे कुछ इस तरीके का होता है। तो आप किसी को भी कैसे भी मैच करके अपना एक बहुत ही सुंदर सा लैम्प बना सकते हैं। मैं ऊपर के लिए ये और बाकी नीचे वाले के लिए इन वालों को यूज करके लैम्प बनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए स्क्वायर वाला कांच वाला और ये रेक्टेंगल वाला दरवाजे वाला। इस डंडे के साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए हमें चाहिए वायर, उसको काटने के लिए एक प्लायर, वायर्स को छीलने के लिए एक कटर, एस्टर एंड साथ ही में एक इलेक्ट्रिसिटी टेप। हमने यहाँ पर एलानियो की फोकस लाइट ली है जो कि 2 इंचेस की फोकस लाइट है। ये मैंने इसलिए ली क्योंकि हमारा जो डंडा है इसके अंदर कुछ इस तरीके से हमारा पूरा एडाप्टर चला जाएगा। एडाप्टर के साथ साथ हमारी पूरी की पूरी लाइट भी इसके अंदर चली जाएगी। और फिर ये वाली जो लाइट है इसके ये दोनों फ्लैप्स खोल के हम कुछ इस तरीके से इस डंडे के अंदर इसे डाल देंगे। और जब ये ऐसे डल जाएगी तो इसमें हमें एक ग्रिप मिल जाएगी और वो ग्रिप से ये हमारी लाइट कुछ इस तरीके से लगी रहेगी। और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लुक दे रही है। अब 2 इंचेस की मैंने इसलिए ली थी ताकि ये हमारा एज टू एज एकदम आ जाए और ऐसे कंसील्ड भी रहे और ऐसे पकड़ा भी रहे, इसका ग्रिप भी अच्छे से बनी रहे। इसके बाद बस कुछ नहीं करना है, अंदर कनेक्शन करना है और यहाँ से लाइट मारेगा जो कि बहुत अच्छी लगने वाली है। बाकी आप इसके अंदर नॉर्मल होल्डर एंड बल्ब भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको लाइट लेनी है वो कुछ इस तरीके से लेनी है कि जो आपकी रॉड है उसके अंदर आराम से आ जाए। जैसे कि मेरी ये पैनासोनिक की 2 वॉट वाली लाइट जो है जिसमें ये पूरा का पूरा यूनिट इतना सा ही है, बहुत क्यूट सा है, ये मुझे मिल गया 103 रुपीस का। आप इसे यूज करके आराम से अपने लैंप को बना सकते हैं। साथ में चाहिए होगा इन सब को पेंट करने के लिए स्प्रे पेंट। आप इसी काम को पेंट एंड ब्रश से भी कर सकते हैं, पर मैं कहूंगा कि इवन कोट के लिए आप लोग इसे यूज कर लें। बाकी आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। साथ में चाहिए एंकल फास्टनर जिसके थ्रू हम दीवार से नीचे टांगेंगे। इसका कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे आप इसे टाइट करते हैं तो ये वाला क्लास्प खुल जाता है और इससे ये अच्छे से ग्रिप बना लेता है एंड एकदम हार्ड रहता है। इसमें ये होने के वजह से हम लोगों को आसानी हो जाएगी। इसके साथ में अपने डंडों को फिक्स करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके की एल पत्ती मिलती है, इन्हीं डंडों के साथ मिलती है आप कह दीजिएगा, और इसको फिर हम कुछ इस तरीके से करके जोड़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। इनको जोड़ने के लिए आते हैं स्पेशल टाइप के स्क्रूज जिसमें ये आप नीचे देख सकते हैं कि सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये मेटल में खुद से ड्रिल होके लग जाते हैं। जैसे जैसे आप इसे टाइट करते जाते हैं तो आप ये नीचे देख सकते हैं कि इसमें ड्रिल बिट नीचे लगी हुई है मेटल वाली। साथ ही साथ अपने डंडे को इससे कनेक्ट करने के लिए आप बीच में चेन भी डाल सकते हैं जैसे मैं डालूंगा, और उसके लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मार्क हुक्स। मैं इसमें छेद करके और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क हुक को टाइट करके और यहां से ऐसे क्वेश्चन मार्क बना लूंगा ऊपर से इसमें तक आएगा। इसके क्वेश्चन मार्क हुक एंड एंकर फास्टनर के बीच में डालने के लिए आप यूज कर सकते हैं चेन। अब ये स्टील, एल्यूमिनियम कोई भी हो सकती है। स्टील वाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, बट एल्यूमिनियम वाली जैसे कि मेरे पास है ये आपको 19 रुपीस फुट मिल जाती है किसी भी हार्डवेयर वाली दुकान पे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कड़ियां गिन लेने के बाद आप लोग इसे आराम से काट लें और उसके बाद अपनी लैंप को इससे सस्पेंड कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितना ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा बड़ा फोकस रहेगा और जितना क्लोज रहेगा प्लेटफॉर्म के उतना कम फोकस होगा। तो आप वैसे डिसाइड करके आराम से अपना काम कर सकते हैं। और साथ में ड्रिलिंग एंड स्क्रू टाइट करने के लिए चाहिए हमें ड्रिलिंग मशीन। जो बड़ा भाई है उसको हम यूज करेंगे अपने मेटल में छेद करने के लिए एंड स्क्रू टाइट करने के लिए, और जो छोटा भाई है उसे हम दीवार में ड्रिल करने के लिए। अब भाई जो पहले आया है वो तो बड़ा भाई होगा ना, इसीलिए ये हमारा बड़ा भाई और ये वाला छोटा भाई। अपने डंडों को स्क्रूज की मदद से सिक्योर कर लेने से पहले आप लोग अपने एक ट्रायल रन कर लीजिएगा कि आपको कौन सा डंडा कहां पर प्लेस करना है और उसके हिसाब से अपनी मार्किंग कीजिएगा।
अपना डंडा अच्छे से लगा लेने के बाद आप मेजरमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद अपने डंडों को फिक्स करने की प्रॉपर मार्किंग कर लीजिए। तो अभी एल लग जाने के बाद चलिए अब हम छेद कर लेते हैं अपने वायर्स को आर पार कर निकालने के लिए। तो ये लीजिए, हमने अपने हुक्स भी लगा लिए हैं और साथ में सभी वायर्स के लिए होल्स भी कर लिए हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद रख लिया इसे हमने न्यूज़पेपर पे और करते हैं स्प्रे पेंट। हमेशा आपको कोशिश ये रखनी है कि एक तरीके के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप एक साथ टैकल करें, ताकि आपके जो रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके सामान है, वो कम वेस्ट हो। जैसे कि अभी स्प्रे पेंट कर रहा हूँ तो एक साथ। चलिए दोस्तों अब कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चेन्स लगाने के बाद तो एक और ही खूबसूरत लुक आ गया है। अब चाहे किसी स्लीक लोकेशन पे एक लाइटिंग सॉल्यूशन करना हो या फिर करना हो किसी चीज को हाईलाइट, इस वाले मॉडर्न लैंप को बनाइए और अपने उसी कॉर्नर को दीजिए एक वाव फैक्टर।